इसमें 10 स्किल्स हैं, टीचिंग स्किल्स, प्लानिंग, सेट। अच्छा, हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। अब सबसे पहले जो है हमारा प्लानिंग। अब एज ए टीचर्स, क्योंकि आप इस फेज में हैं कि आप इसमें से बहुत सारे टीचर्स भी हैं, आप मुझे बताएं, ये है 10 स्किल्स टीचिंग की। तो फर्स्ट है प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या होता है, टीचिंग स्किल्स की बात हो रही है, तो प्लानिंग के बारे में आपने बता दिया, उसकी आउटलाइन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, सारे अचीवमेंट्स और पूरा स्केड्यूल वो बनाते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि आपने किस तरह से स्टार्ट करना है, आपकी क्या, आपने कौन 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 से वो करना है, क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है, एक्टिविटीज कौन कौन सी करानी, कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी, एक्सपेरिमेंट हो, एक्टिविटी हो, स्टोरीज हो, इवेंट हो, जो जो चीजें आपने उसके अंदर आपने इंक्लूड करनी है, उसके बारे में प्रेजेंटेशन है। चले ठीक है, तो फिर हम 10 मिनट के बाद मिलते हैं, क्योंकि ये क्लास मैं आपसे पहले कह रही हूँ 1 घंटा। चलें ठीक है। अच्छा ये बताएं, अब नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो प्रेजेंटेशंस में क्या आपकी, अब एज ए टीचर्स क्या प्रिपेयर करते हैं उसमें, जब आप प्रेजेंटेशंस बनाते हैं या लेते हैं? ओके ठीक है, तो उसमें आपकी कंसेप्ट्स भी क्लियर, आप वो खुद भी जाहिर अपने कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे तो आप स्टूडेंट्स भी करवाएंगे। ठीक है, तो उसमें एग्जाम्पल्स भी देखेंगे आप, स्टूडेंट्स को अपने माइंड में रख करके, स्टूडेंट्स के सामने जो प्रेजेंटेशंस हम देने जा रहे हैं या उसकी कौन सी हम एक्टिविटी करवाएंगे, उनके अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, ये सारा उसके आपने देखना है। और क्वेश्चनिंग, ठीक है, क्वेश्चंस भी आप इस तरह से करते हैं कि स्टूडेंट से, कि हर स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है, उसको कुछ सोचने के लिए भी चंद फ्यू मिनट्स दे दें। ऐसा होता तो नहीं है अक्सर जो क्लासरूम में टीचर्स देते नहीं है, क्योंकि वो जो पूरा लेक्चर उनके सामने आता है तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फौरन से बता देंगे। ठीक है, तो अगर आंसर गलत हो तो उसको ठीक करें, ठीक है, और पोलाइट रहे, इनकरेजिंग द स्टूडेंट्स टू क्वेश्चंस। अब इसमें स्टूडेंट्स, ये हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि टीचर्स इसको इनकरेज करते हैं कि आप क्वेश्चंस पूछें, अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, ठीक है, जो भी रिसर्च वर्क है या जो आप पूछना चाहते हैं वो पूछें। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं है, एज ए टीचर मैं भी आपसे बार बार पूछती हूँ, आप भी अपने स्टूडेंट से पूछते होंगे कि आप पूछें, ठीक है ना। आई थिंक सो, मैंने पर्सनल इशू कहा है, मुझे याद नहीं है, मैंने पर्सनल मैटर का वर्ड अक्सर मैं यूज करती हूँ, अगर मैंने कहा है तो पर्सनल मैटर कहना चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल मैंने ये कहा होगा, कहा होगा तो। देखिए, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, सबने, जो आप देख रहे हैं कि जो लोग मैसेज करते हैं तो ब्रेक में, इवन अगर मैं अजान सुन रही हूँ, जब मैं अजान सुन रही होती हूँ मुझसे तब पढ़ाया भी नहीं जाता, मुझे नहीं पता आप तक आवाज आ रही होती है या नहीं आ रही होती, मैं लेकिन आपको कह देती हूँ डियर स्टूडेंट अजान सुन लूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब है वो भी एक दो दो से 3 मिनट की अजान सुनने के लिए, तब भी आप लोग आपस में मैसेज कर रहे होते हैं, तो इट्स ओके, इट्स ओके। तो मेरा ये मकसद नहीं है आपने नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी, ये आपका पर्सनल मैटर है, ठीक है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपको ब्रेक दे दी गई है नमाज के नाम पे, तो कम से कम उस ब्रेक में आप मैसेज ना करें। बिल्कुल, हमेशा से यही कहते हैं कि नमाज, आवाज नहीं आ रही, आवाज, एक्चुअली में वो पहले से क्लास में होते नहीं है ना, उनको नहीं पता होता क्लास में कौन सी एक्टिविटी चल रही है, क्या टीचर्स ने कहा होगा, क्या स्टूडेंट्स ने कहा होगा, जस्ट वो बाद में आते हैं अपना काम शाम कर सुनते हैं, फिर कहते हैं आवाज तो नहीं आ रही, फिर वो चैट बॉक्स में शोर मचाना शुरू करते हैं, आवाज नहीं, आवाज नहीं, जैसे पूरे एक पूरे टाइम पे वो क्लास में बैठे हैं और सुन रहे हैं, अब उनको आवाज नहीं आ रही। अब है एग्जाम्पलीफिकेशन, इसमें ये कुछ ऐसी आप बताते हैं स्टूडेंट्स को कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे होते हैं उसके बारे में आप कुछ एग्जाम्पल्स वाले जो होते हैं जो स्टूडेंट्स को समझ आ सके वो देते हैं, ठीक है।
और कोई भी टॉपिक होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, उसको कोशिश करते हैं सॉल्विंग की तरफ आते हैं। फिर कम्युनिकेशन आते हैं, आप स्टूडेंट से इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं कि वो एंड ऑफ जो बेंचेस पे बैठे होते हैं उन तक ही उनकी आवाज जाए, ठीक है, उनकी कोशिश हो कि वो इस लैंग्वेज में बात करें, उनको समझ भी आ सके, उन तक पहुंच भी सके, उनके प्रोनाउंसिएशन भी ठीक हो, कोशिश करें। और कुछ इस तरह हो ओके स्टूडेंट्स को ये भी शो ना करवाएं कि आप यानी कि आप अपने बारे में भी, अगर आप थके हुए हैं, फटीग है या बोर हो रहे हैं, तो उसको अवॉइड करें। और स्टूडेंट्स भी इस तरह क्लास में अक्सर जुमाया ले रहे होते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं, इनकी इसका मतलब है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो उसको आप अवॉइड करें। अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप स्टूडेंट्स आप अपने लेक्चर पर अच्छे से फोकस कर सकेंगे। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों नहीं है, फिर भी देखिएगा चैप्टर्स के अंदर होंगे। मेथोडोलॉजी है, आप कौन सा मेथड से स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, लेक्चर, डेमोंस्ट्रेशन, डिस्कवरी, ये तमाम मेथड है। आप कौन से मेथड से स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, आप पहले से उसको प्रिपेयर करके हैं, ये भी प्लानिंग में होता है कि आपने मेथोडोलॉजी कौन यूज करनी है, ठीक है। तो उसमें आप पहले से प्रिपेयर करके आए अपने वो जो मेथोडोलॉजी होती है, जजिंग द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम समझें, उसके लेवल्स को समझें, उनके आईक्यू को समझें। स्लो लर्नर्स हैं, नॉर्मल है, टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, सबके अपने अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उनको समझें, उनके कंसेप्ट को क्लियर करें, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग डिवेलप करें, उनको गाइड करें, काउंसलिंग करें। ये तमाम चीज़ें उसमें आपको स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को जब आप जज करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। एंड और इसमें समर अप, जो भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम आप पढ़ाते हैं एक आप उसको समराइज करते हैं, उसकी प्रेजेंटेशंस को थोड़ा थोड़ा स्टूडेंट्स को बताते हैं कि हमने आज ये पढ़ा, ये पॉइंट है, उसको वैल्यूएट किया, ठीक है। उसमें आप कुछ ऐसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं स्टूडेंट्स को उसमें डिस्कस करने के लिए कहते हैं, या ये कहते हैं कि आपका होमवर्क है, आप इसको कल थोड़ा सा और अपनी तरफ से देखे आएंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे। प्रेजेंटेशंस का पता है आपको, तो इसमें यूजली प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा एक मेथड है, टेक्निक है, कि अगर हम प्रेजेंटेशन के जरिए से स्टूडेंट्स को पढ़ाएं और स्टूडेंट्स के को असाइन भी करें कोई ऐसा टास्क जिसमें प्रेजेंटेशन हो, जिसमें उनकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव किया कर सकें, उनकी जो प्रेजेंटेशन हो, जो भी टॉपिक आप उसको असाइन करें, उसमें आप न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड करें, ताकि जो लिसनर होते हैं, टीचर्स भी उसमें इंक्लूड होती हैं, तो वो उनको समझे, उनमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। और टीचर्स भी, अगर एक स्टूडेंट्स एज ए टीचर्स प्रेजेंट कर रहा है अपने लेक्चर को, तो वो टीचर्स भी स्टूडेंट्स चंद टाइम के लिए बन जाते हैं, तो वो उस तरह क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ प्रेजेंटेशन, तो इसमें एक सब्जेक्ट्स के बारे में होता है, आपने कौन सा आप सबसे पहले टॉपिक आपने डिसाइड करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप चीज़ों को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। प्रेजेंटेशंस को प्लीज इसको याद रखिएगा, जब आप इंशाल्लाह प्रेजेंट करेंगे एमफिल में, आपका वाइवा होगा, पीएचडी में जब आपका डिफेंस होगा, तो प्रेजेंटेशन जब अपने थीसिस की बनाएंगे तो मैक्सिमम 30 to 35 आपके स्लाइड्स होनी चाहिए। इससे कम हो सकते हैं तो हो जाए, लेकिन ज्यादा ना हो। ये तब होंगी जब आप टू द पॉइंट, इट्स मीन के बुलेट्स में आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाएंगे, कि आप उसको एक बुलेट्स में जब करेंगे तो वो पॉइंट लिखा होगा, फिर आपने उसको एलेबोरेट खुद करना है, तो वो प्रेजेंटेशन ज्यादा इंप्रेसिव होती है। तो इसलिए जब भी प्रेजेंट करें, किसी भी चीज को बुलेट्स में करें, मिनिमम स्लाइड्स यूज करें और उसका बैकग्राउंड बहुत सिंपल हो, ठीक है, जिस तरह ये भी सिंपल ही है। तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी आप इसमें याद रखिएगा, ठीक है। इसमें प्रेजेंटेशंस की जो कंपोनेंट्स है, इसमें वॉइस, टोन इस तरह होनी चाहिए कि आप अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो सारी स्टूडेंट्स को, क्लास में जितने भी हैं,
या आप किसी कॉन्फ्रेंस में किसी मीटिंग्स में अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपने टॉपिक को, तब तो जाहिर माइक होते हैं, अगर ना हो तो आप अपनी पिच को अपनी टोन को इस तरह से करें कि सब तक वो उसका वॉल्यूम जाए, कैपेबिलिटी आपके ठीक हो, ठीक है। कोई भी किस चीज में आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। समटाइम्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स आपकी एक एक चीज को नोट कर रहे होते हैं, तो इसलिए आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपको तमाम उसकी मीनिंग का पता हो, जो आप उसको वो करें, डिस्कवर करें, डिस्क्राइब करें, आपको पता होना चाहिए तो इसके मीनिंग क्या है। बिल्कुल अच्छी बात है मिशा, ऐसे ही बनानी चाहिए, ठीक है। और टीचर्स को एक गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए टीचर्स के अंदर, ठीक है। हर वक्त ऐसे उसका मूड अगर खराब हो और क्या कहते हैं उसको, उसके फेस एक्सप्रेशन अच्छा ना हो, तो उससे टीचर्स की खूबसूरती भी चली जाती है। टू बी ऑनेस्ट, सही बात है। अगर हम आम अपनी लाइफ में भी हर रोज गुस्से में रहें, अपनी मूड खराब करें, अपने फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे ना हो, तो उसके ऊपर हमारे एजिंग आना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें आप देखिए, अगर आप ह्यूमर आपके अंदर है, आप मुस्कुराते रहते हैं या आपका मूड अच्छा है, सबको कोई ना कोई टेंशन होती है, तो आप उसको कोशिश करें आपके फेस पे ना आने दें। बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी हो, ये आप शो ना करवाएं कि आप कुछ स्टूडेंट्स पे आई कांटेक्ट करें, आप सब पे करें, सब पे फोकस करें और स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट रहें, ठीक है ना। बिल्कुल, ये आपके कुछ इसको इतना ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जिसने भी ये प्रेजेंटेशन बनाई होगी तब की जो वो आपके असाइनमेंट्स की क्वेश्चंस उसमें ऐड करती होंगी, ये देख लीजिएगा। अगर आपके लिए है फूल है तो आप देखिएगा, अदरवाइज इसको आप छोड़ दें, ये सारे उसने। ओके, तो अब ये सेकंड स्लाइड्स होगी, अब कोई क्वेश्चंस हैं डिस्कस कर लेते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बता